टीटी 2021 फ्री काउंसलिंग हमारे द्वारा की जाएगी। जी साथियों, हम आपको बताने वाले हैं कट ऑफ किस तरह से रहती है, कॉलेज चॉइस आपको किस तरह से भरनी चाहिए। वहीं अगर आप हमारे से कोई भी स्टूडेंट कॉलेज चॉइस भरवाना चाहता है तो बिल्कुल फ्री में कॉलेज चॉइस भरी जाएगी। हालांकि आपको लॉगिन डिटेल जरूर भेजनी होगी। इसी वीडियो में आपको व्हाट्सअप नंबर भी मिल जाएंगे। पीटीटी 2021 से जुड़ी हुई हर जानकारी आपको इसी वीडियो में बताई जाएगी। साथियों, सबसे इम्पोर्टेंट आपकी कॉलेज चॉइस ही है। आप एग्जाम दे देते हैं, उसके बाद में आपकी कॉलेज चॉइस सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर आप एक गलती कर देते हैं तो आपको एक साल फिर से इंतज़ार करना होता है। अर्थात अगर आप 2021 में बीएड करना चाहते हैं, अगर आपको कॉलेज अलॉटमेंट नहीं होती है तो एक साल आप पीछे चले जाते हैं। साथियों, आप देख रहे हैं जॉब अलर्ट गुरु और आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको पीटीटी से जुड़े हुई हर महत्वपूर्ण जानकारी आपको इसी वीडियो में बताने वाले हैं। साथियों, पीटीटी 2021 की काउंसलिंग बहुत ही जल्द स्टार्ट होने वाली है। काउंसलिंग फीस जो भी होगी 4,000-5,000 रुपए, वो आपको जमा करवानी होगी। आप इसे पेटीएम, गूगल पे, फ़ोनपे या फिर अमेजोन पे या फिर नेट बैंकिंग या फिर एटीएम के माध्यम से खुद ही जमा कर सकते हैं। हमारे द्वारा कोई भी काउंसलिंग फीस जमा नहीं की जाएगी, यानी कि 4,000-5,000 रुपये जो काउंसलिंग फीस होगी वो नहीं जमा करेंगे। हम केवल आपको कॉलेज चॉइस भर कर देंगे। जो काउंसलिंग फीस होगी वो आपको जमा करवाने होंगे, चाहे आप बीए बीएड या फिर बीएससी बीएड फोर इयर्स इंटीग्रेटेड या फिर 2 साल के बीएड कोर्स के लिए कॉलेज चॉइस भरवाना चाहते हैं तो आप हमारे से भरवा सकते हैं। जिसको विश्वास हो वही हमें अपनी डिटेल शेयर करें, अन्यथा हमें अपनी डिटेल शेयर ना करें। साथियों, फ्री कॉलेज चॉइस की स्टार्टिंग केवल 2 स्टूडेंटों के रिक्वेस्ट पर की गई है। वो चाहते हैं कि उनकी कॉलेज चॉइस है वो हमारे द्वारा भरी जाए, लेकिन हम चाहते हैं कि जो भी स्टूडेंट अगर हमारे से कॉलेज चॉइस भरवाना चाहता है तो बिल्कुल फ्री में हमारे द्वारा भरकर उनको दी जाएगी। कॉलेज चॉइस लॉक तब तक नहीं की जाएगी जब तक आप नहीं कहेंगे। वहीं अगर आप चाहते हैं कि कम से कम 10 कॉलेज है वो हमारी चॉइस के अनुसार भरी जाएं, तो आप में उन कॉलेजों के नाम भी दे सकते हैं। सबसे पहले आप जो नाम देंगे वही कॉलेज हम आपको सबसे पहले भर कर देंगे। उसके बाद में अगर आप चाहते हैं कि ऑल राजस्थान में कहीं पर भी कॉलेज मिले, तब आपके पीटीटी के रिजल्ट के अनुसार जो आए हुए नंबर है उन्हीं के अनुसार कॉलेज सेलेक्ट की जाएगी। अब हम आपको बताना चाहेंगे कि इसकी कट ऑफ क्या होती है। साथियों, पीटीटी की कोई कट ऑफ नहीं होती है, अलग अलग कॉलेजों की अलग अलग कट ऑफ होती है। मान लीजिए एक ऐसी कॉलेज है जिसमें 400 नंबर तक के स्टूडेंटों ने अप्लाई किया, यानी कि कॉलेज को सिलेक्ट किया। वहीं दूसरी कॉलेज है जिसमें स्टूडेंटों ने केवल 300 नंबर तक के ही स्टूडेंटों ने कॉलेज चॉइस किए। तो इसका मतलब है कि एक कॉलेज की है वो कट ऑफ रहेगी 400 नंबर, वहीं दूसरी कॉलेज की कट ऑफ रहेगी वो रहेगी 300 नंबर। इसी तरह से हर बार एक या फिर दो या फिर तीन जितनी भी काउंसलिंग होगी उन सब में अलग अलग कॉलेजों की अलग अलग कट ऑफ होती है। वहीं अगर आप खुद कॉलेज चॉइस करना चाहते हैं तो हमारे द्वारा भी आपको वीडियो के माध्यम से बताया जाएगा कि आपको कॉलेज चॉइस कैसे भरनी है। साथियों, आप या फिर जिससे भी कॉलेज चॉइस करवाएं उसे सावधानी पूर्वक आपको कॉलेज चॉइस भरवानी चाहिए, क्योंकि इसमें अगर आप एक भी गलती कर देते हैं तो आपको कॉलेज न मिलने पर एक साल पीछे चले जाते हैं। साथियों, जो भी हमारे द्वारा कॉलेज चॉइस भरी जाएगी वो बिल्कुल फ्री भरी जाएगी और कॉलेज मिलने की कोई भी गारंटी नहीं होगी। हाँ, ये गारंटी जरूर होगी कि जितनी भी कॉलेज भरी जाएगी वो सही तरीके से भरी जाएगी। साथ ही पीटीटी 2021 में रिजल्ट में आपके कितने नंबर आए इस पर भी डिपेंड करेगा कि आपको कॉलेज मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी। साथियों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज आप सभी का स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट कीजिए ताकि आपको और अपडेट मिलता रहे। साथ ही इस वीडियो को लाइक कर सपोर्ट कीजिए ताकि आपको आगे भी पीटीटी के वीडियो मिलते रहें। क्योंकि साथियों, आप लोगों ने सपोर्ट करना कम कर देंगे तो हम वीडियो फिर बनाएंगे नहीं, क्योंकि मतलब नहीं होता है बनाने का। अगर आप जितना सपोर्ट करेंगे हमारा मनोबल बढ़ेगा और हम आपके लिए वीडियो बनाते रहेंगे। और साथियों, जो भी डिटेल्स आप भेजेंगे उसकी गारंटी हमारी होगी कि आपकी डिटेल कहीं पर भी कोई लीक नहीं होगी, कहीं पर भी आपके डाटा है वो लीक नहीं होंगे, इसकी सारी जिम्मेदारी भी हमारी होगी। तो साथियों, अगर कोई भी अपनी इच्छा के अनुसार, किसी के साथ कोई जबरदस्ती नहीं है, अगर किसी को विश्वास हो तभी हमें अपनी डिटेल शेयर करें। यहाँ पर आपको व्हाट्सअप नंबर दिखाई दे रहे होंगे 820-913-0503 पर। आप अगर आप पीटीटी की कॉलेज चॉइस हमारे द्वारा करवाना चाहते हैं तो आपको लॉगिन डिटेल भेजना होगा, तभी हम आपकी कॉलेज चॉइस कर सकेंगे। और साथियों, आपको लॉगिन डिटेल तभी भेजना है जब काउंसलिंग स्टार्ट हो जाए, और पीटीटी 2021 की काउंसलिंग है वो इसी वीक या फिर अगले वीक में स्टार्ट हो सकती है।
और अगर किसी साथी को ऐसा लगता है कि पैसे देने से कॉलेज चॉइस वो सही भरी जाती है तो आप अपनी डिटेल हमारे को शेयर ना करें। आप सभी की जानकारी के लिए बता दें कि नंबर ही मायने नहीं रखते हैं, कॉलेज चॉइस भी बहुत मायने रखते हैं। कम नंबर वालों को भी कॉलेज मिल जाती है क्योंकि उनकी कॉलेज चॉइस वो सही तरीके से होती है। आपने भी कई बार देखा होगा कि किसी के नंबर ज्यादा हैं और उसके साथी के नंबर कम है, फिर भी उनको कॉलेज मिल जाती है। और इसका कारण यही होता है कि वो कॉलेज चॉइस भरते हैं वो सही तरीके से भरी जाती है। आपके नंबर के अनुसार कॉलेज चॉइस भरना जरूरी है। और साथियों, आपके पीटीटी 2021 के रिजल्ट में आपके कितने नंबर आए हैं वो हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अन्य कोई सवाल विचार तो आप हमें कमेंट करें, हमारी तरफ से आपको रिप्लाई किया जाएगा। तो साथियों, आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। वीडियो देखने धन्यवाद साथियों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम।